शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले पेज से। आज देखेंगे जर्मनी का मैप। सबसे पहले जो मैप देख रहे हैं आप बताता है जर्मनी कौन कौन सी कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में है डेनमार्क। नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाएंगे हम तो उत्तर और पश्चिम की तरफ नीदरलैंड और बेल्जियम के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। और फिर यदि आप नीचे जाओगे पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से की तरफ तो ये एरिया जाता है फ्रांस का, फ्रांस के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर दक्षिण में है स्विट्ज़रलैंड। एक छोटा सा जो हिस्सा है हमको नहीं दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है लग्जमबर्ग का। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड हम देख चुके हैं। इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रिया, साउथ में ही, साउथ और पूरब की तरफ। फिर ऑस्ट्रिया के ऊपर आ जाता है चेक रिपब्लिक। ये एरिया हो जाता है इसका पूर्व वाला और दक्षिण वाला, इसके बीच वाले एरिया में। ऊपर की तरफ आप चले जाओगे पूर्व और नॉर्थ की तरफ तो पोलैंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, बाल्टिक सागर जर्मनी के नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है। और नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ सी पड़ेगा, और नॉर्थ और पूर्व की तरफ जाएंगे तो बाल्टिक सागर पड़ता है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। अब कुछ कुछ फैक्ट है जर्मनी से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं। यदि हम साइज के हिसाब से देखें तो जर्मनी जो है 7वें नंबर का लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री माना जाता है। ये एरिया को कवर करता है 357,022 वर्ग किलोमीटर के। ठीक है, एस ऑब्जर्व ऑन जर्मनीज फिजिकल मैप द कंट्रीज टोपोग्राफी वेराइज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो इसके जो जियोग्राफी है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। नॉर्थ यूरोपियन प्लान एक्सटेंड अक्रॉस द कंट्रीज नॉर्दर्न रीचेस। यहाँ पर नॉर्थ यूरोपियन प्लान की बात की जा रही है कि वो जो अक्रॉस कंट्री में फैला हुआ है। दिस फ्लैट लोलैंड टेरेन इज डिसेक्टेड बाय द न्यूमरस बॉग रिवर स्ट्रीम एंड मोस्टली यूज्ड फार्मलैंड। एरिया बताया जा रहा है, नदियाँ हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स हैं, और कुछ कुछ जो एरिया है वो खेती के काम में आता है इसका। इसके बाद हम देखने वाले हैं जर्मनी की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में। ठीक है, तो राइन जो रिवर है जर्मनी की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है, जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइन, यही है राइन रिवर। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड तीन देशों से होकर के ये गुजरती है। सबसे लंबा इसका पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, तो एक फैक्ट तो ये हो गया। और अपने पानी को ये कहाँ पर छोड़ती है, नॉर्थ सी में लेगा आकर के छोड़ देती है। अगली चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ के माउंटेन के बारे में। बावेरियन आल्पस द हाईएस्ट माउंटेन इन जर्मनी स्ट्रेच अक्रॉस इट्स साउदर्न बॉर्डर विथ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के साथ में इसकी बॉर्डर बनती है, वहीं पर ये माउंटेन फैला हुआ है जिसका नाम है बावेरियन आल्पस, जो कि यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है। इसको हम मैप में देख लेते हैं तो एकदम जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यही है बावेरियन आल्पस। नीचे तरफ आप चले जाओगे तो ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है और यहीं पर ये फैला हुआ है। और इसी में आप ये जो येलो देख रहे हैं ना, येलो कलर, ये हिस्सा है इसका जुक्स पिट्ज, हाईएस्ट इसकी चोटी मानी जाती है। ठीक है, एक तो हाईएस्ट माउंटेन हो गया और वहीं पर हाईएस्ट चोटी इसकी है जक्स पिट्ज। न्यूज़ की तरफ देखें तो बताया जा रहा है कि जो जर्मनी की पार्लियामेंट है ना, ये ऑफिशियली इलेक्ट करेगी ओलाफ स्कोल्ज को वेडनेसडे के दिन एज द कंट्रीज नेक्स्ट चांसलर। अगले ये चांसलर बनने वाले हैं, ब्रिंगिंग द कर्टेन डाउन ऑन एंजेला मार्कल 16 ईयर रीजन। ठीक है, रेन है ये, रेन मतलब होता है शासन। तो 16 साल का जो एंजेला मार्कल का शासन था वो अब ख़त्म हो जाएगा, एंड यूसरिंग इन ए न्यू पॉलिटिकल एरा विद द सेंटर लेफ्ट इन चार्ज।
ठीक है, तो अब इनका शासन चालू होने वाला है, सब यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है कि ये जो लीडर है ना, ये इनकी पार्टी है सोशल डेमोक्रेट। इन्होंने अपनी पार्टी को विक्ट्री दिलाई है किसके अगेंस्ट में, मर्केल्स कंजर्वेटिव CDU CSU, ठीक, ब्लॉक इन एन एपोचल इलेक्शन इन सितंबर, सितंबर के महीने में नागपुर चुनाव हुए थे, इन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। एज द वेटरन चांसलर प्रिपेयर टू लीव पॉलिटिक्स आफ्टर 4 consecutive terms इन ऑफिस, तो 4 बार ये रह चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट वाले पेज में और देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखने वाले हैं। तो पहली ही जो न्यूज़ आप बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे हो, इंडिया रसिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट। इंडिया और रसिया के रिलेशन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली न्यूज़ इसी को हम देखेंगे। आज हम PIB की न्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि PIB में कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। तो इंडिया रसिया किस तरह से नए मिलिट्री पैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। द टू साइड्स आल्सो कंक्लूड 28 एग्रीमेंट, इसके अलावा दोनों देशों की तरफ से 28 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। द वर्ल्ड हैज़ अंडरगोन सेवरल जियोपॉलिटिकल चेंजेस, लेकिन इंडिया और जो रसिया की फ्रेंडशिप है ना, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, ठीक है, रिमेन अनचेंज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन मंडे एट 21वें नंबर की एनुअल इंडिया रसिया समिट विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दोनों के बीच में 21वें नंबर की वार्षिक इंडिया रसिया समिट का आयोजन किया गया था, इसी में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था। द टू साइड्स नॉट ओनली कोऑपरेटेड विद ईच अदर अनहेस्टिंगली बट आल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द सेंसिटिव ऑफ ईच अदर, ऐसा नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। एट द समिट रेफरिंग टू द कॉमन फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, दोनों देश चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ड्रग की ट्रैफिकिंग है, तस्करी जो होती है एंड टेररिज्म, इन सब से जो है हमको लड़ाई लड़ना है। इट इज़ नेचुरल वी आर कंसर्न एट द डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको भी गंभीरता से रूस की तरफ से लिया गया है कि हमें उसको भी थोड़ा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। दोनों ही साइड की तरफ से रिन्यू किया गया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को, कितने साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए टिल 2031 तक। इसके अलावा और भी कुछ साइन हुए हैं, द डील फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल, एक डिफेंस ऑफिशियल का ऐसा कहना है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला इन ए मीडिया इंटरेक्शन नोटेड दैट दिस वाज मिस्टर पुतिन सेकेंड विजिट अब्रॉड सिंस द पेंडेमिक बिगन, जब से कोरोना चालू हुआ है तब से लेकर के आज तक देखें तो ये पुतिन की सेकेंड विजिट है। बोथ साइड्स कंक्लूडेड 28 एग्रीमेंट, ऐसा उन्होंने कहा, एडिंग दैट सेवरल हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट वर ऑन द एनविल, और कई सारे जो हाइड्रोकार्बन के प्रोजेक्ट हैं ना वो भी अब काम में आने वाले हैं। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं वैट से रिलेटेड। वैट एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो टैक्स आखिर होता क्या है, टैक्स लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, टैक्सों से ये आया है। टैक्स अनिवार्य शुल्क रहता है या फिर जिसको आप वित्तीय शुल्क कहते हैं, जो सरकार किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी या फिर संस्था से राजस्व को इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर लगाती है। अब सरकार इस जमा किए गए पैसे को कई प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में खर्चा करती है, ठीक है, आप जानते ही कौन कौन से एरिया में गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपको फ्री में मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करती, सरकार सड़कें बनाती है, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, ऐसे कई सारे यूज़ हैं जहां पर सरकार इस पैसे का उपयोग करती है, ठीक है। और बात आ जाती है कि यदि मैं टैक्स को पेड नहीं करूँगा तो क्या होगा, इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। टैक्स के प्रकार यदि आप देखें तो टैक्स दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मेन रूप से दो प्रकार का ही होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जिस पर लगाया जा रहा है वही पेड करेगा, जैसे कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं किसी सरकारी नौकरी में हूँ तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स मेरी आय पर लगा है, मेरे ऊपर लगा है, मैं ही पेड कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया,
सरकार की नज़र में डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स इनकम का अनुमान लगाना आसान होता है, क्योंकि ये करदाताओं की इनकम से एकदम सीधा संबंध रखता है। इनडायरेक्ट टैक्स की यदि हम बात करें, जैसे कि जीएसटी, जीएसटी जिस पर लगना है वो तो पैड नहीं करता है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली रूप से कोई और पैड करता। मान के चलो आप एक कपड़ा खरीदने किसी रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है, फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं। अब उसने क्या काम करा है, थोक विक्रेता के पास वो जब कपड़ा लेने गया था इकट्ठा माल उठाने के लिए, तो उसी टाइम उसने वो जीएसटी को पैड कर दिया, उसमें उसके प्राइस को उसने इंक्लूड कर दिया। अब वो जीएसटी को क्या काम करेगा, हमसे वसूलेगा, कपड़े की प्राइस में उस जीएसटी को वो ऐड कर देगा और हमसे वो पैसा वसूल लेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो उस दुकानदार ने जीएसटी को पैड नहीं किया, जीएसटी को हमने पैड किया है। कई सारे टैक्स इसमें आते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के कौन कौन से एग्जांपल हैं। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। वैट की यदि हम बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। मान के चलिए एक कंपनी है, कंपनी जो है, एक कंपनी की हम एग्जांपल लेते हैं, कपड़े की एक कंपनी है, ठीक है, कपड़े की एक कंपनी है। सबसे पहले कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कपास का उत्पादन करने के बाद किसानों से कच्चा कपास कोई एक कंपनी खरीदती, फिर इसको वो क्या करती है, धागा बनाती है, धागा से फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं और कपड़े से फिर सिलाई विलाई करके पूरी कंप्लीट उसकी ड्रेस तैयार की जाती है। तो हर स्टेप में हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। सबसे पहले कपास की कीमत कम थी, कपास से जब धागा बनाया गया तो उसकी कीमत बन गई, धागा से जब आप कपड़े बनाते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, तब उसकी कीमत और बढ़ जाती है, ठीक है, वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो टैक्स भी आपको पैड करना पड़ेगा, इसको ही हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये क्या है, उन इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल था जो भारत में जीएसटी आने के पहले लगाया जाता, पूरी दुनिया में ये बहुत आम है। जब भी बिक्री के लिए अंतिम वस्तु तैयार करते हैं तो कच्चे माल का आप यूज़ करते हैं, तब वैट को लागू किया जाता। यदि एक निश्चित वस्तु अपने अंतिम रूप में आने से पहले अर्ध तैयार या फिर कच्चे माल के रूप में कई बार खरीदी और बेची जाए तो वैट प्रत्येक खरीद पर लागू होगा, बशर्ते हर बार वस्तु की कीमत बढ़ना चाहिए। आगे न्यूज़ यदि देखें तो इसमें बताया जा रहा है बीजेपी ने डिमांड करी है रिडक्शन ऑफ वैट ऑन डीजल। द दिल्ली बीजेपी ऑन मंडे स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट आउटसाइड द आम आदमी पार्टीज ऑफिस एंड डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ वैट ऑन डीजल। ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टी वर्कर लेड बाय दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन असेंबली रामवीर सिंह भिदौरी मार्च फ्रॉम I2O इंटरसेक्शन टू आप ऑफिस। तो बीजेपी के ये लीडर हैं, ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आए, इसलिए वो कह रहे हैं कि सरकार को, वहाँ की सरकार कौन है, केजरीवाल साहब की, तो उनको कह रहे हैं कि आप जो है वैट को रिड्यूस करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक स्नेल से रिलेटेड। ए टाइप ऑफ एनिमल विथ ए सॉफ्ट बॉडी एंड नो लेग्स दैट इज कवर्ड बाई ए सेल। स्नेल्स मूव वेरी स्लोली, जिसको घोंगा हम कहते हैं ना, सीपी में रहने वाला कोमल शरीर और बिना टांगों का छोटा जीव है जो धीरे धीरे चलता है, जी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। हाईली इन्वेसिव स्नेल स्पॉटेड इन केरला, केरला की ये न्यूज़ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो स्नेल है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव है। इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, धावा करने वाला। फाइसेला एक्यूटा इज होस्ट टू वॉर्म्स दैट कैन कॉज फूड बॉर्न डिजीज एंड रेसेस। तो
इसी के चलते चलते जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो इससे क्या है, फूड बोर्न डिजीज़ हो सकते हैं, फूड से जनित रोग और रैसेस भी हमको देखने को मिलते हैं। रैसेस का मतलब देख लेते हैं, रैसेस मतलब होता है शरीर पर उभरे छोटे छोटे लाल दाने या फिर चकते पड़ जाना। इटनी स्नेल विथ ए स्ट्रिकलिंग स्ट्राइकिंग पेलुसिट गोल्डन येलो सेल फाउंड इन इडापल्ली केनाल इन कोची हैज़ बीन फ्लैग्ड एज एन इन्वेसिव स्पीसीज दैट कुड प्ले हैवॉक विथ नेटिव इकोसिस्टम। कहाँ पर ये पाया गया है? इडापल्ली केनाल में पाया गया है, कोची में। हैविंग स्पॉटेड इट ड्यूरिंग ए बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिसर्चर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे लोगों ने मिलकर के आइडेंटिफाई किया है इट एज द एक्यूट ब्लैडर स्नेल फाइकेला एक्यूटा ग्लोबली ब्रांडेड एज हाईली इन्वेसिव। पूरे ग्लोबली यदि आप देखोगे वर्ल्ड में तो ये इन्वेसिव माना जाता। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस स्नेल हैज़ बीन रिपोर्टेड इन केरला, ये पहली बार है जबकि केरल में इसको रिपोर्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च टीम वाट मेक इट्स डिस्कवरी वॉरिंग इज दैट इट प्लेस होस्ट टू वार्म दैट कैन काज फूड बॉर्न डिजीज एंड स्किन इचेस इन ह्यूमन। तो हमारी जो त्वचा है उसमें खुजली होती है और फूड से रिलेटेड इसमें कई सारे रोग भी उत्पन्न करता है। ये बताया जा रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड होती है। इसके अलावा एयर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है इसकी एंड टॉलरेंस टू पॉल्यूशन मेक्स द फाइकेला एक्यूटा ए पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू नेटिव फ्यूना। बार बार जिस चीज़ का नाम आ रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। पिक्चर आप देख रहे हैं ना घोंघा की, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं। जैसे कि पहली बार इसको डिस्क्राइब किया गया था JPR के द्वारा 1805 में। फाइसेला एक्यूटा इज़ कंसिडर्ड नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ का नेटिव माना जाता है? नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन इज़ नाउ फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट, लेकिन आजकल क्या है ये सभी महाद्वीपों में पाया जाने लगा है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को आप छोड़ दीजिए। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन द अर्ली 1990s, पहली बार इंडिया में कब देखा गया था ये? पहली बार ये मिला था हमारे यहाँ पर 1990 के दशक में। इट इज़ बिलीव टू हैव रीच्ड केरला थ्रू द एक्वेरियम ट्रेड ए मेजर वेक्टर फॉर इन्वेसिव स्पीसीज। बताया जा रहा है कि आखिर पहुँचा कैसे, ऐसा माना जाता है कि ये पहुँचा है केरला में थ्रू द एक्वेरियम ट्रेड, जल के माध्यम से जो ट्रेड होता है ना उसी के माध्यम से ये हमारे यहाँ पर पहुँचा। आगे इसकी पहचान की बात करी जा रही है कि आखिर हम इसकी पहचान कैसे करके करेंगे। तो साइज में ये छोटा रहता है, तो जो स्नेल है ये कैन ग्रो हो सकता है टू 16 mm हाइट तक एंड 9 mm विड्थ तक। और ये जो रहता है ना इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है बाय इट्स सिंस्ट्रल, ठीक है। सिंस्ट्रल शब्द आया है जिसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ और ऑन द लेफ्ट साइड और द लेफ्ट हैंड, वामावर्ती वामावर्त, लेफ्ट की तरफ आप देखोगे लेफ्ट ओपनिंग एपेचर में लेफ्ट लेफ्ट सेल पाई जाती है। इट इज़ गुड लुक्स मेक दिस स्नेल ए फेवरेट ऑफ एक्वेरियम्स, ऐसा इनका कहना है।